गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी का सैम वन का पंजाबी का ऑप्शन है। इत्थे पैडागोजी दे जो क्वेश्चन सिलेबस है शुरू हो चुका है। सैम वन का पेपर फोर एंड फाइव, क्योंकि दो ऑप्शन लेने होंगे हैं, ये नाल लिखा ही होएगा। पैडागोजी ऑफ पंजाबी जिहड़ा तुसी लेना है फस्ट एंड सैकेंड ए ऑप्शन वन, ये पेपर ते ही तुहाडे इसे तरह लिखा होएगा। डेढ़ घंटे का पेपर होएगा, पंजाबी अध्ययन इसका पंजाबी च नाम है। दो क्लासा लगनगियां तुहाडियां, दो घंटे दियां क्लासा, दो घंटे पढ़ना होएगा तुसी एक हफ्ते विच। 35 नंबर का पेपर होएगा, 15 इंटरनल असैसमेंट होएगी। पैटर्न उही है कि पहले चार जड़े यूनिट ने उहदे विच्चों दो क्वेश्चन आउणगे, दो चो एक, दो चो एक, दो चो एक करना होएगा। फिफ्थ क्वेश्चन मे बी अटैम्पटड फ्रॉम एनी सैक्शन, पंजवा क्वेश्चन तुसी किसी विच भी करना है। सो उद्देश ने, उद्देश सब तो जरूरी ने, लेकिन कोई इंट्रस्ट नहीं दे रहा वैसे। चलो कर लेने, विद्यार्थी दा पंजाबी पढ़ाने की रुचि पैदा करना चाहते हैं, अध्यापकों विच स्कूल पद्धर ते मात भाषा पढ़ाने संबंधी पेश आउंदियां मुश्किलों नूं हल करन दे योग बनाउणा चाहते हैं। अध्यापकों नूं सिरजनात्मक, उपचारात्मक, अनुसंधानात्मक, इत्थे गलती लिखी हुई है, कुशलतावां दा विकास करना चाहते हैं। अध्यापकों, विद्यार्थी अध्यापक, तुसी जिहड़े देख रहे हो वीडियो बी एड वाले नूं लोड़ अनुसार हवाला पुस्तक रैफरेंस बुक्स की वरतों किदां करनी है। साहित्य विभिन्न रूपों के अध्यापन ढंगों बारे जानकारी देनी है। मात भाषा के सिक्ख्या के उद्देश के सिद्धांतों की सोझी करवानी है। सैक्शन ए है, पहला सैक्शन है, इसनों जो वड्डा थोड़ा करना है किया जा सकता है, ये ठीक है मेरे ख्याल में। भाषा की उत्पत्ति के सिद्धांत, अच्छा पहला जिहड़ा जिहड़ा ये पहला पार्ट है उहदे विच ए फस्ट जिहड़ा ऑप्शन है उहदे विच भाषा की उत्पत्ति के सिद्धांत, ये एम ए का सिलेबस ही है। भाषा की प्रकृति, सारी कुदरत, अच्छे पॉइंट ने, ये ईजी है। उत्पत्ति के सिद्धांत थोड़े जे डिफिकल्ट लग सकते, इंट्रस्टिंग ने। समाजिक सरोकार तुहानू थोड़े जे औखे लग सकते ने, है ना। इतिहासिक प्रपेक, उसका इतिहास देखना हुंदा है। समाजिक सरोकार, समाजिक, समाज के अनुसार भाषा को देखना है। देखो जिहड़ी भाषा है उहदा कोई अर्थ नहीं है जे इकला बंद व्यक्ति है, जे दो जे दो तो वध ने तो भाषा का मतलब है, तो दो दो वध व्यक्ति जिहड़े ने उसनू ग्रुप या समाज कहा जा सकता है जो निरंतर इंटरैक्शन करता है। तो इंटरैक्शन किसके जरिए करनी है, भाषा के ही जरिए करनी है। सो भाषा तो बिना कोई भी कम्युनिकेशन नहीं हो सकता किसी भी जगह पर, भाषा तो बिना। सिर्फ इशारों में तुसी वड्डियां गल्लां नहीं कर सकते, कॉम्प्रीहेंसिव जिहड़ा विचार संचार होना है इहदे जरिए ही हुंदा है। सो ये पहली लाइन सारी उहदी ही है, एम ए लैवल की है। मात भाषा के अध्ययन ते अध्यापन पहली ते दूसरी भाषा के तौर पर, है ना, क्योंकि जो तुसी छेवीं सत्तवीं अठवीं नौवीं दसवीं देखते हो कि भाषा पंजाबी दो तरह है, एक तो वह लोग जो बाहरों आए ने, है ना, उन्होंने लिए दूसरी भाषा है। गलू समझो जिन्हों की पहली मात भाषा के तौर पर किदा समझना है, जो तो पहली शब्द आ गया है ये उन्होंने जिड़े विद्यार्थियों ने माँ बोली है, वह मात भाषा है, ठीक से। जिन्हों की मात भाषा मान लो इंग्लिश है, सॉरी हिंदी है, तो वह पंजाबी उन्होंने पढ़नी पै रही है, उन्होंने दूसरी भाषा के तौर पर विचारिया जाता है। इस दे प्रसावित क्वेश्चन आएंगे, सिंपल है इस तो, मतलब ज़्यादा औखा नहीं है। इतने नाल नाल पढ़ांगे, मैं अपनी बुक चो ही सब कुछ पढ़ावांगा। मात भाषा की धारणा, मतलब उहदा कंसैप्ट की है, मात भाषा की सिक्ख्या दे उद्देश, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आने वाला। ये लाइन सब तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सब तो कदे भी ये नहीं छड़ के जानी। कारण यह है कि यही चीज़ां तुहानू सोशल साइंस वगैरह वगैरह च मिलेगी। सिद्धांत ते सूत्र लगभग सेम ही रहने ने, जिहड़ा मर्जी पेपर पढ़ लो। तो भाषा जो होर कोई पढ़ रहे हो, लिंग्विस्टिक का एक पेपर जनरल आता हूँ शायद दूजे तीजे सेमेस्टर में आएगा, भी ये चीज़ा आदियां ने। सो मात भाषा के उद्देश का महत्व बहुत ज़्यादा सौखा, सिद्धांत तो सूत्र सब सौखा तो इंपॉर्टेंट, ये ज़्यादा मैं सर्कल ला रहा हाँ, इस नहीं छड़ना। पंजाबी भाषा का निकास तो विकास, हुण इहदे च इहदे विचों एम ए चो एक तुहानूं चूज करना ही पएगा। निकास है कि जन्म होने तो पहला उहदा किवें किहड़े पड़ावां चों गुजर के गई है, और विकास है कि जो जन्म हो गया उस तो बाद वह प्रफुल्लित किस तरह हुई है। सो दोनों क्वेश्चन सत सत नंबर के बन रहे ने, निकास भी तो विकास भी। अच्छा लिपि का की अर्थ है, छोटा क्वेश्चन है। गुरमुखी लिपि की प्राचीनता किवें किन्नी प्राचीन है, थोड़ा जा टेक्निकल है, तुहानू थोड़ा क्रैम करना पएगा उसनू। अनुकूलता, अनुकूलता मतलब पंजाबी भाषा है, पंजाबी भाषा नू लिखण लई गुरमुखी है,
लिपि सॉरी गुरमुखी लिपि है। हुण जे देवनागरी है वह हिंदी लिखण लई सूटेबल है, मतलब हर भाषा नू लिखण लई कोई विशेष लिपि सूटेबल है। इस नू जिहड़ी सब तो ज़्यादा सूटेबल है कि वधिया विचार संचार लिख के उस लिपि च हो सकता है, उसनू अनुकूलता कहिंदे ने। इसका क्वेश्चन एक ही बनता है कि पंजाबी नू लिखण लई गुरमुखी ही ढुकमी लिपि है, चर्चा करो, है ना। सो इस कोटेशन नू कई तरह पूछा जा सकता है, मतलब उहदा यही है कि पंजाबी भाषा लई सब तो सूटेबल जिहड़ी लिपि है वह गुरमुखी लिपि ही है, जिवें इंग्लिश लई रोमन है, है ना, और इहदे लई हिंदी लई देवनागरी है, इस तरह पंजाबी लई गुरमुखी लिपि है। एक क्वेश्चन हो गए गुरमुखी लिपि दीआं विशेषतावां, ये हाँ टेक्निकल ने, थोड़ा याद करना ही पएगा। अच्छा, उहदी तरतीब, अक्षर क्रम, वर्णमाला, खाका, स्वरवाहक। स्वरवाहक होंदे हन ऊड़ा, ऐड़ा, ईड़ी। बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिन्हां ते स्वर जा के सवारी करके चढ़ते हैं। स्वर 10 होंदे आ, स्वरवाहक 3 होंदे ने। सो इन्हां चों एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं नॉर्मली। हुण इन्हां चों जे तुसीं करना होवे सब तो पहला वो करो जिहड़ा सौखा लगता है, वो मैं दस्सन लगा हाँ सौखा किहड़ा लगा है। मेरे मुताबक भाषा दी सिद्धांत ते प्रकिरति कर लो, प्रकिरति ज़्यादा सौखी लगेगी, सिद्धांत औखे लग सकते हैं। इधरों ये सारा ही करनी है, लाइन सारी छड्डनी नहीं है। इधरों भाषा का निकास ते विकास ये नहीं छड्डना, थोड़ा जिहा औखा लगेगा पर जरूर करना है। इधरों गुरमुखी लिपि की प्राचीनता ते अनुकूलता, हर हालत विच ये नहीं, हाँ गुरमुखी लिपि दीआं विशेषतावां ये 100% पढ़ के ही जाना है। बाकी ते विचार बाद विच करदे हाँ, जे कदे भी इस तरह नहीं करना चाहिए कि कोई क्वेश्चन अणदेखिया अणगौला कर गया है। फॉर एग्जाम्पल समाजिक सरोकार इतिहासिक परिपेक्ष दे सिर्फ पॉइंट पढ़ के चले जाओ, इन्नी अच्छी तरह पेपर चैक नहीं होंदे, दुख है इंडिया का। पंजाबी धुनी व्योंत उचारण अंग, जेकर तुहानू पंजाबी कंपलसरी है, जे तुसी पंजाबी दे सिलेक्शन टेस्ट च जाना चाहुंदे हो तो तुसी हुण तो ही इसकी तैयारी शुरू कर दो, इसनू होर डूंघाई ना पढ़ो। जिहड़े उत्ते पेपर मैं टॉपिक क्या छड्ड के जा सकदे हो पर छड्डने नहीं है कदे नहीं, उहनां नू होर डूंघाई ना करो। सो उचारण अंग है ना, उचारण स्थान, कुछ जदों असीं उचारदे हाँ गला है, जीभ है, ताड़ू है, इस तरह कई चीज़ां ने, कई हिलदे हन, कई स्थिर रहिंदे हन। सो उहनां दे आधार ते इह वंड कीती जांदी है। धुनी व्योंत दीआं विधियां है ना, स्वर, व्यंजन, सुर, ये सारे जिहड़े ने जरूरी ने, कर लेने चाहिए ने, क्योंकि सिलेक्शन टेस्ट लई पंजाबी कंपलसरी हो गई है। पंजाबी दे विच 50 मार्क्स का, तुसीं पटवारी भी बनना है तो 50 मार्क्स का जिहड़ा क्वेश्चन है, सॉरी 50 नंबर मेरे ख्याल लैने, 50% नंबर लैने जरूरी होंदे हन। सो उहदे विच ग्रामर के क्वेश्चन आते हैं, वो तुहानू याद करने ही पैने ने। विश्वीकरण के प्रसंग विच पंजाबी भाषा की स्थिति इक्को क्वेश्चन बनता है, पंजाबी दीआं उपभाषावां सौखा क्वेश्चन है। पछाण, उसकी पछाण की है, किवें पछाणी जाती है कि उहदे विच आ इस नूं इदां उचारदे हन, इदां उचारदे हन। अंतरराष्ट्रीय पद्धर ते पंजाबी अते पंजाबी नूं दरपेश समस्यावां एक ही क्वेश्चन बनता है, ये भी नहीं छड़ सकते। और इन्हां दे विच्चों तुसीं पंजाबी व्योंत उचारण अंग उचारण स्थान विधियां स्वर व्यंजन ये पहला सारा कर जाओ, ठीक है। सारा ही मैं तां सुजैसट कर दिता इहदे विच, चलो देखते हैं नाल नाल जो पढ़ांगे उदो देखते हैं। तुसीं इंपोर्टेंट क्वेश्चन दस दो पहला कर लाँगे, जिहड़े तुहानूं औखे लगते हैं वह पहला कर लाँगे, है ना। सो ये सैक्शन बी हो गया, सैक्शन अच्छा जो दोवां विचों ही ठीक है, सैक्शन सी आ गया, मैं क्या दूजी यूनिवर्सिटी है। भाषा वणगियां, थोड़ी जी औखी शब्दावली लगेगी, उम्र आधारित भाषा वणगियां कि छोटे बच्चों लई भाषा बन गई ए अडोलसेंट लई और वड्डियां लई, है ना, कोई फर्क होएगा। लिंग आधारित मुंडे ते कुड़ियां लई भाषा बन गई, किता आधारित है ना, लायर किस तरह के शब्द वरतदे आ, टीचर किसी होर तरह के, डॉक्टर किसी होर तरह के, डॉक्टरां दे शब्द लायर नूं नहीं समझ आते, लायर के शब्द अध्यापक नूं, एक दूजे नूं जिहड़े उस कुछ किता आधारित भाषा बन गई होंदियां हन। खेतरीय इलाकाई भाषा बन गई, इस नूं उड़ा दिता जाना चाहिए, यह विचार संचार विच रुकावट पै रही है, खेतरी है ना, ये बन गई। मालवा, माझा, दुआबा इस दे आधार ते हो सकता है। पंजाबी भाषा दे लिखण दे दार्शनिक, अपनी बुक विच ही, मेरी बुक विच ही शायद मिलेगा, मनोविज्ञानिक कारण आधार ते समाजिक आधार, ये 7-7 नंबर दे अलग क्वेश्चन बनते ने, लेकिन सब तो ज़्यादा मनोविज्ञानिक बनते ने, शरीरक है ही नहीं है, समाजिक भी, हाँ समाजिक की
ये भी ज़्यादा पूछे जाते हैं। सो पिछला पेपर डिस्कस करने पैने, ज़्यादा पेपर देखने पैने, सारे पेपर मेरे को कलैक्टेड है, किसी होर तरह पेश करता हाँ। सैक्शन डी है सुनन कौशल भाषा सिक्ख्या विच महत्व, हुण शुरू हो गया, जिहड़े थोड़े ज़्यादा आसान ने और बी एड जिथों दिसेगी सुनन कौशल ये भाषा सिक्ख्या विच इसका महत्व। नंबर एक, सुनन कौशल नूं जिहड़े विकसित करना है, किहड़े अभ्यास करने चाहिए हैं, सुनना है ना, किस तरह रेडियो सुनाना चाहिए है, ये बच्चों को डिक्टेशन करानी चाहिए, कुछ इस तरह दी ईजी ईजी होणगे। शर्तां किहड़ियां ने ठीक सुनन कौशल नूं प्रभावी बनाउण लई, शर्तां किहड़ियां ने जिस अच्छा सुनने लई, शर्तां किहड़ियां ने, बोल चाल की सिक्ख्या का महत्व। नंबर एक, शुद्ध उच्चारण के कारण बहुत ज़्यादा रिपीटड तो ईजी, बहुत ज़्यादा रिपीटड तो ईजी, और उसनों सुधार किवें करना है, सो ईजी ने। पढ़ना, देखो सारियां कलावां आ गईयां, सुनना, बोलना, पढ़ना अखां दा विचा, और फिर लिखना, इस दियां विधियां। नंबर एक, सूखम ते स्थूल पढ़ाई, सूखम स्थूल पढ़ाई है जिहड़ी तुसीं उपरों उपरों मोटी मोटी करदे आ, ओह करिकुलम विच सिलैक्टड जो मैटर नूं पढ़ना है ओह स्थूल है। जदों करिकुलम तो सिलेबस तो परे जाके उहदी एक्सटेंशन लई तुसीं पढ़दे हो, जिहड़ा सिलेबस विच नहीं है, फॉर एग्जाम्पल किसी लेख लई तुहानू अखबार, किसी छोटे काम लई असाइनमेंट लई तुहानू अखबार पढ़नी पैंदी है, मैगजीन पढ़ना पैंदा है, न्यूज़पेपर सुनना पैंदा है, वगैरह वगैरह। सो वह सुख जिहड़ी स्थूल इकाई है, स्थूल सॉरी सूखम है जिहड़ी सिलेबस तो बाहर है, स्थूल जिहड़ी सिलेबस दे विच है, क्योंकि एक्सपर्ट ने लगाई हुई है। टैलीविज़न नहीं आएगा क्योंकि उसनू पढ़ना नहीं, इसे सिर्फ पढ़न की गल हो रही है। अच्छा, अगे इस दियां किस्मां हन पढ़न दियां, मौन पाठ, तुसीं सिर्फ बोलते नहीं हो, मन विच पढ़ते हो, आवाज़ नहीं आती, लाइब्रेरी नूं याद रखना इन्नी गल है। उच्ची पाठ, छोटियां क्लासां नूं याद करना है ना, कहानी पढ़ते हैं, एक बार एक राजा सी उसनू बहुत प्यास लगी सी, राजे नूं प्यास लगी सी, कां नूं लगी सी, चलो कोई गल नहीं। अच्छा, नैक्सट है, सो उहदे अलग फायदे ने, इहदे अलग फायदे है। उच्ची पाठ छोटे बच्चे करते हैं, उच्ची पाठ वड्डे बच्चे उदों करते जो याद करना हुंदा, मैमराइज प्रॉब्लम है ना हुंदी है, ये सारे पॉइंट डिस्कस किए मैं अपनी बुक में। मौन पाठ लाइब्रेरी तो सूखम जो ज़्यादा डूंगा करना है। लिखना सिखाना, लिखना रचना का महत्व नंबर एक आ गया, उस दियां विधियां आ गई, अभ्यास आ गया, लिखती कम की सुधाई है ना, सुलेख मतलब सोहना किदां लिखना है, रचनात्मक जिवें लेख लेख रचना करनी है, ये किवें करना है, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। सो इहदे विच ये सिलेबस है, चार यूनिट है, एक क्वेश्चन तुसीं किसी भी यूनिट चो करना है, सैशनल वर्क है, परफॉर्मेंस इन यूनिट टेस्ट एंड हाउस टेस्ट 5 मार्क्स की है, अटेंडेंस 2 मार्क्स की है, असाइनमेंट ऑन फॉलोविंग पंजाबी दे वक् वक् उपभाषावां की समानता ते भिन्नता संबंधी रिपोर्ट तैयार करना है, पंजाबी भाषा के स्कूलों में वर्तमान स्थिति के सर्वेक्षण संबंधी रिपोर्ट तैयार करना है। सो अच्छा है, जो भी किताब पसंद आती है तुसी पढ़ सकते हो, है ना, ये तो मेरे अध्यापक ही ने, इंद्रदेव नंदरा सिंह जी। नैक्सट है साढ़े कोल के असी पेपर इसका देखना चाहते हैं, सो पेपर आ गया है, 1.5 घंटे का है, 35 नंबर का है, 2 क्वेश्चन चो एक एक करना है, 5वां क्वेश्चन किसी भी उद्दे चो करना है। पहला क्वेश्चन आया है, बच्चे की सिक्ख्या विच मात भाषा की की महत्ता है, विस्तारपूर्वक बहुत ईजी बार बार पूछा जाता है, पंजाबी भाषा के निकास के बारे में, सिर्फ निकास पूछा है इत्थे, ये निकास बारे में विस्तारपूर्वक चर्चा करो, उपभाषावां दे पछाण चिन्ह की व्याख्या करो, विश्वीकरण के प्रसंग विच पंजाबी भाषा की स्थिति दे स्पष्ट करो। सो ईजी है, पछाण चिन्ह करने थोड़े जे तुहानू औखे लग सकते हैं, बाकी जे एम ए पंजाबी की है सौखे ही लगनगे। नैक्सट है भाग ई, इलाकाई ते किता आधारित भाषा वणगियां उपर विस्थार नाल चर्चा करो। सो हरे एक दो आस्पैक्ट नूं चक के उत्ते 7 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। पंजाबी भाषा लिखण दे दार्शनिक आधारां दी व्याख्या करो, मनोविज्ञानिक नहीं पूछे, जड़े है समाजिक नहीं पूछे, दार्शनिक पूछ लेने। भाग सस्सा चौथा है, बोलचाल की सिक्ख्या का महत्व दसते हुए बच्चों के अशुद्ध उच्चारण दे की कारण हन चर्चा करो। सो महत्व है ते कारण है, 3.5-3.5 नंबर दे बन गए। बच्चों के सुनन कौशलता वधाउण लई किहड़े किहड़े लोड़ींदे अभ्यास करवाने चाहिए हैं चर्चा करो। सो इतों बी एड प्योर शुरू हो गई, पहला थोड़ी एम ए का सिलेबस सी। सो ये एक एक क्वेश्चन करना है, जिहड़ा सौखा लगता है 5वां क्वेश्चन उहदे विचों कर देना है, पंजाबी का सीगा। बाकी नैक्सट करते हाँ आपां, नैक्सट पैडागोजी के सबजैक्ट का। थैंक यू।